एंड वी आर गोइंग आउट टू ईट समथिंग. वी आर सो हंग्री मैन. अभी पहले खाना खाएंगे फिर जाएंगे पंजीम की ओर. और जैसा कि आप देख रहे हैं सब फ्रेश हो रहे हैं अभी निकलने वाले होटल से कुछ देर बाद. सो फाइनली अब हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में आ चुके हैं. एक्चुअली ये मोटू बुरा मान गया था ना इसको छोड़ के भागा था मैं, तो फिर ये बोला कुछ अच्छा खिलाओ पहले मुझे तभी बाहर जाऊंगा. तो फिर ये इसको पनीर बड़ा पसंद है तो इसके कारण यहाँ आ गया मैं, क्योंकि वो वाले रेस्टोरेंट में तो कुछ मिल नहीं रहा था इडली डोसा के अलावा. खाना काफ़ी टेस्टी है फिलहाल यहाँ पर, पहले इंजॉय कर दे. तो खाना खा चुके हैं हम लोग और यहाँ से निकलने वाले हैं. ये था होटल और सो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे पंजीम की ओर. बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं है हम लोगों का. सो अभी ये तो खाने के बाद कुछ मिलता है ना वो ले रहा है. और अब यहाँ से सीधा जाएंगे पंजीम, कोई स्टॉपेज नहीं होने वाला हम लोगों का. तो अब यहाँ से अपने राइड शुरू करते हैं पंजीम की ओर. तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था तो इधर भी चेकिंग है पूरा. और अभी पकड़ा था, मेरे मुंह में पाइप डाला उसने, बोला अल्कोहल है यार. तो आपका फाइन मांगा फाइनली उसने 200 रुपया. लेकिन लोग ने रिक्वेस्ट किया, इसने बोला शायद गूगल पे कर दो, तो वो बोला नहीं ना भाई गूगल पे नहीं है मेरे पास. फिर इधर ये देखिए पंजीम का रास्ता, एयरपोर्ट मुंबई का है ना, तो हम लोग उधर को जा रहे हैं. अभी हम लोग को छोड़ा है उसने झूठ मूठ का फालतू में, खाली पीली पकड़ लिया फाइन के चक्कर में साला. वो 700 बोला पहले कि 700 दूंगा, फिर वो 500 पे आया कैसे कैसे माना. तो फिर बोला मैंने कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है सर, सफिशियंट बैलेंस नहीं है, स्टूडेंट है. तो ऊपर से फिर 400 में लास्टली हम लोग को छोड़ा है, वो 400 रुपया ले लिया फालतू का, जबकि मैंने मास्क हेलमेट सब कुछ सारा कुछ था. रॉन्ग साइड के नाम पे उसने बुलाया, इधर मैं गाड़ी मोरा, इधर ये फाइन के नाम पे ले लिया हम लोग 400 रुपया. और जैसा कि आपको दिखा सकते हो, ये फोन पे ट्रांजेक्शन किया मैंने उसे, वो लिया 400 रुपया. सो अभी मूड ऑफ हो गया हम लोग का बहुत ज़्यादा ही फालतू में पैसा भर के. तो अभी आराम से जाते हैं पंजीम, अब क्या कर सकते हैं, जाना है तो जाना ही है. और फाइनली कुछ मूड अच्छा किया हम लोगों ने आपस में बात करके, क्योंकि फाइनली तो हम लोगों को जाना ही था पंजी यार, उसके कारण क्यों मूड ऑफ करना. सो फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पंजी. और ये बोर्ड पे लिखा हुआ है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पंजी, हाँ यही रास्ता है सीधा जाने का इधर से. यार झूठ मुठ के यहाँ पुलिस वुलिस पकड़ लेता है, कोई रीज़न नहीं मिले तो अपना रीज़न दे देता है. जो है नेविगेशन में लिखा हुआ था ना ये रास्ता सीधा जा रहा है, तो फिलहाल सीधा ही चलते हैं, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं ना. और ये कोलंबर से हम लोग सीधा हो चुके हैं और फिलहाल आगे बढ़ते हैं. अभी यार ये हेलमेट क्या कर सकते हैं यार, पुलिस हेलमेट पे पकड़ लेता है तो फाइन ले लेता है, अगर नहीं पहनेंगे तो और पता नहीं क्या क्या ले लेगा. सो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, जितना जल्दी हो पंजीम का जर्नी कंप्लीट करते हैं यहाँ से. फिर से हम लोग एक मसाज वाला मिला भी स्कूटी से, मजा मसाज कर रहा था. दैट वी विल बी मसाज करना वो मांग रहा, देख लो चलते हैं, बोले ये सब इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को, नॉट इंटरेस्टेड. सो गाइज मैं बता दूं आप लोगों को भी, इस सब रूट में ऐसा ऐसा व्यक्ति मिलते रहता है, मसाज मसाज चिल्लाएगा, कोई क्लब क्लब, कोई डिस्को डिस्को चिल्लाएगा. आप लोगों को इग्नोर करना है उसे, अगर इग्नोर नहीं करोगे तो गंदे फेरे में फंस सकते हो, आप लोगों का अच्छा खासा पैसा लूट सकता है वो लोग. सो ये सब को गोवा में इग्नोर करने का है और इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का है. सो फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ये हाईवे पर और पंजी पहुँचते हैं. लगभग आधा जर्नी तो हो ही चुका है हम लोगों का. ओ मॉल्स, गोवा में मॉल क्यों नहीं होगा यार, ये भी एक अच्छा शहर है, मॉल्स होना चाहिए अभी. सो फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी लगभग 50-60% जर्नी कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का और धीरे धीरे समय के साथ रास्ते के साथ आगे बढ़ते हैं.
सो अभी फिलहाल चेक करना गूगल मैप देखते हैं अभी थोड़ा, और रास्ते का थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं यहाँ से। ऐसे रास्ता तो दिख ही रहा है साफ साफ, क्लियर, सीधा सीधा आगे बढ़ने का। अरे यार रोड तो क्रॉस कर ले अच्छा से। सो यहाँ काफ़ी शांति लग रहा है यार ये रोड पर, तो ऐसा क्या हाईवे है तो शांति होना चाहिए और यहाँ तो क्रॉस नहीं होगा। सो अभी देखते हैं आगे बढ़ते हैं जितना जल्दी हो सके पहुँच जाए, क्योंकि शाम हो जाएगा तो फिर पिक भी नहीं आ पाएगा वहाँ पर। और बोर्ड पे लिखा हुआ था पंजीयस वी आर गोइंग ऑन द राइट रूट, सो मास्क भी पहनना ज़रूरी है। और हम लोग का अभी भी जोश खत्म नहीं हुआ है, और एक्सप्रेस वे पर हम लोग अपना स्कूटी को चढ़ा चुके, हम लोग नहीं सॉरी मैं चढ़ा चुका हूँ, ये तो मना ही कर रहा था। और मुझे पता है यार फिर से फाइन कटे गए, लेकिन एक्सप्रेस वे पर तो घूमने का अलग ही मज़ा है। क्या हुआ कार नहीं है तो स्कूटी से ही उड़ा देते हैं यहाँ पर। और अभी पता है यहाँ से उतरेंगे और कोई ना कोई लफड़ा ज़रूर करेगा पुलिस वाला फिर से, जानते हैं होने वाला है, पर क्या कर सकते हैं। फिलहाल इन्जॉय करते हैं एक्सप्रेस वे का राइड, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यार यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा वाइब मिल रहा है मुझे। एंड वी लैंडेड ऑन द रोड, और एक्सप्रेस वे से हम लोग रोड पे आ चुके हैं और खोज रहे पुलिस कब पकड़े हम लोग को। ओ माई गॉड सामने ही करा यार, देखते रुकवाएगा ही यार, देखते क्या होता है, फाइन तो ये नहीं है मुझे पता ही है ये चीज़। एंड फाइनली वी अराइव पंजी, और हम लोगों ने अपना स्कूटी को यहाँ पार्क कर लिया है, और वहाँ एक्सप्रेसवे के नीचे भी हम लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, पर डर से ये मोटो वीडियो वहाँ पे नहीं बना पाया। पर वहाँ भी हम लोगों ने फ़ाइन भराया 300, वो भी मांग रहा था 700, पर 300 पे मैनेज किया हम लोगों ने उसे। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं पंजी में, और ये जैसा कि आप पीछे का सीन देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा लोकेशन है, और ये भी सेल्फी खींच रहा है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पंजी, और ये सारा लोग बहुत अच्छा है, यहाँ का फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर कॉलोनी आप देख सकते हैं, फोटो का लिस्ट कॉलोनी है ये सारा, पीछे भी दिखाया था मैंने जैसे शुरुआत में, और यही है यहाँ का व्यू। बैक कैमरा से रुक के दिखाता हूँ। सो काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है यार यहाँ पर आकर के, तो यहाँ पे मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, जितने जल्दी मैं फ़ोटो क्लिक करवाने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में उसको ज़रूर पोस्ट करूँगा। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है ये फ़ोटो कैसा आया है यहाँ पर। एंड इस व्यू के लिए हम लोगों ने अभी तक 400 हाँ प्लस 300 रुपये भर चुके हैं, 700 फाइन भर चुके हैं, और देखते आगे ना ले लें हम लोगों से। और ये देख के आप लोगों को बेल्जियम जैसा फील आ रहा होगा, पर ये पुर्तगाली कॉलोनी है यहाँ पर सारा, और ये गोवा है और ये इंडिया है। ये देख के आप मत समझ लेना मैं फॉरेन वॉरेन में हूँ। सो जितना जल्दी हो मैं यहाँ पे पिक क्लिक करता हूँ पहले, नहीं तो एंड अगेन ट्रेजिडी हो गया हम लोगों के साथ। अभी हम लोग पिक क्लिक करवा रहे थे यहाँ साइड पे इसी रास्ते में, और एक पुलिस वाला बाइक रोक के आता है, बोलता है फाइंडो, बोले किस बात का, तो बोलता है मास्क नहीं पहना आप लोगों ने, 200 रुपया दो मैनेज करेंगे फिर। एंड अगेन आई हैव पेड 200 रुपीज़ फाइन फॉर द मास्क वेट आई एम सोइंग। और फाइनली हम लोगों ने इस बार फाइन भरा और हम लोगों को रसीद मिला एक, ये 200 रुपये का, और ये मेरा सिग्नेचर रहा यहाँ पे। सो फाइनली हम लोगों ने फिर से 200 रुपये का फ़ाइन भरा है यहाँ पर, टोटल 900 फ़ाइन भर चुके हैं आज एक दिन में। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है यार अब यहाँ पर, और पिक क्लिक करवा चुके हम लोग काफ़ी, मतलब ज़्यादा पिक क्लिक करवाए नहीं, बीच में ही वो पुलिस वाला आके रोक दिया हम लोगों को। पर जो भी हुआ जितना भी हुआ मन भर लेना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए फिलहाल, नहीं तो 900 रुपये तो भर चुके हैं, कहीं और किसी चीज़ का फ़ाइन ना लग जाए। और ये पूछ रहा है यहाँ से जाने का रास्ता, यहाँ से मतलब कैसे जाए तो फ़ाइन ना लगे, ये ज़्यादा परेशान हो चुका है फिलहाल। सो होना भी चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे एक दिन में 900 फाइन भर चुके हैं, वो तो 700 समझ में आता है बाइक से भरे चलान करता है, ये रोड पे खड़े खड़े 200 कट के चला गया। सो फाइनली अब यहाँ से निकल रहे हैं, और जाते जाते मैं दिखा दूँ आए अगर यहाँ पे तो कैसीनो इन्जॉय कर सकते हैं आप लोग, हम लोग का तो मूड ख़राब हो चुका है, नहीं तो पक्का एक जगह ज़रूर अंदर जाते, पर इतना ज़्यादा मूड स्पॉइल हो चुका है कि अब मूड रहा नहीं। सो आप लोग आए तो यहाँ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा कैसीनो है यहाँ पर, ये देखिए कितना अच्छा गेट है इसका, काफ़ी ज़्यादा मतलब आई कैचिंग है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। सो अगर आए तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो मूड ऑफ हो चुका है फिलहाल, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। सो अब फाइनली रोड के भी लाइट जल चुके हैं, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं पार्किंग की ओर जहाँ पर मैंने स्कूटी को अपना पार्क किया था, और जितना जल्दी हो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब रुकने का कोई खास वजह बचा नहीं है, क्योंकि हम लोग को मेन पिक क्लिक करवाना था और हम लोगों ने करवा लिया है जितना हो सकता था। और अब बात रहा कैसीनोज का, तो काफ़ी हम लोग का मूड स्पॉइल हो चुका है, एज बताया ही है मैंने कि 900 फाइन भर चुके हैं अभी तक हम लोग। सो एज सुन एज पॉसिबल हम लोग होटल जाते हैं, और फिलहाल एक मूवी का डायलॉग था ना वो मानकर हम लोग को थोड़ा संतुष्टि मिला है,
वो डायलॉग था ना ऐसा कि बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सो हम लोग के साथ भी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी होटल की ओर, और गाइस ये रहा वो एक्सप्रेस वे जिसके कारण हम लोगों ने 300 स्पेशल फाइन भरा है, और काफ़ी अच्छा व्यू मिला था पर वहाँ से उसका मुझे कोई ज़्यादा गिल्ट नहीं है। एंड इस बार सही रूट से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, इस बार कोई फ़ाइन नहीं लगने वाला है, और उम्मीद करते ना ही लगे, और एज सुन एज पॉसिबल हम लोग होटल पहुँच जाए सेफ्टी के साथ विदाउट पेइंग द फाइन एक्चुअली। एंड यहाँ से भी सीन अच्छा ही मिल रहा है, पर उसका अलग मज़ा आता है यार, सीरियसली 300 का अलग ही मज़ा आता है, वो 300 बचा सकता था मैं, पर छोड़ो कोई बात नहीं, चलता है। सो फाइनली हम लोग होटल आ चुके हैं, और ये अभी तक फ़ोन देख रहा है, अपना 900 का चूना लगाया, उसका हिसाब किताब देख रहा है फोटो में, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और हम लोग का चार्जर भी लगता है मेरा चला गया लग रहा है, उखड़ गया ये, लेकिन कुछ हुआ नहीं है यार, दिन खराब था एक्चुअली, हम लोग का दिन ही खराब था, कुछ पेनल्टी लग गया था, एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा, लोग मानते नहीं है, लेकिन उस टाइम इसको मना किया कि नहीं जाने को, फिर भी ये आगे बढ़ गया। फाइनली रिजल्ट मिल ही चुका है उसका, पहला फाइन हम लोग का काटने का बोला मास्क का, लेकिन लिया नहीं पुलिस वाला, अच्छा था वो तो छोड़ दिया, लेकिन आगे पकड़ा रॉन्ग साइड बोल के 400 लिया उसने, 700 बोला था जो, फिर आगे हम लोग ने एक्सप्रेस वे पर चढ़ा दिया था, वो तो पहले से पता था कि आगे पकड़ेगा, उसी समय मैंने बोला था कि गलत रोड पर आ गया हूँ, और ये भी बोला था, तो वो 300 पे माना, 400-700 हुआ, फिर हम लोग फोटो खिंचवा रहे थे पंजीम में बीच के साइड में कैसीनो के साइड, वहाँ पुलिस वाला चलते चलते चलान काट दिया था हम लोग का 200 रुपये का, जो कि आपको दिखाया था मैं वो ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, तो पहले सोचता था गाड़ी चलाने पे चलान कटता है, आजकल रोड पे चलने पे भी चलान कट रहा है, तो बहुत हेक्टिक दिन था आज का। तो फाइनली अब हम लोग ने सोचा है कि अब आराम करेंगे कुछ टाइम, और फिर हम लोग तो मानने वाले हैं नहीं, तो निकलेंगे फिर भागा बीच की ओर, और आज एक चीज़ फिर उधर से आते हैं रात को 12-11 बजे, फिर देखते क्या सो जाना है क्या, और फिर कल तो सोचे बस फोटोज क्लिक करवाना है कल पूरा दिन, तो मतलब तो तीसरा दिन आज ख़त्म होने वाला है गोवा में, तो अभी फ़िलहाल ये पंजी वाला ब्लॉग एंड करते हैं, जो कि कुछ खास स्पेशल रहा नहीं अभी तक, तो कुछ स्पेशल तो नहीं था, तो ये ब्लॉग एंड करते हैं पंजीम वाला, और अभी रात में फिर बागा के साइड जाएंगे। अगर आप लोग ने कमेंट करो अगर पसंद आया वीडियो, तो फिर से बागा वाला ही ब्लॉग डाल दूंगा आज वाला भी, जब मन है देखने का तो कमेंट करके बोल सकते हो। सो बाय, इस ब्लॉग को एंड करते हैं।